नमस्ते फ्रेंड्स, टू कंटिन्यू विथ द स्ट्रक्चर ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट, जस्ट टू रिकैप व्हाट वी डिड इन प्रीवियस टॉपिक, प्रीवियस लेक्चर इज वी स्टडीड अबाउट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड इन दिस अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वी स्टडीड द मेजर पार्ट दैट इज stigma, style, ovary. Within the ovary, we had studied the ovule. This structure of ovule we had discussed in great detail. If you all recall, the parts of structure of ovule: placenta, funicle, hilum, chalaja, integuments, raphe. The part where hilum continues over the integuments. Then we had studied the important structure that is nucellus. To recall, let us draw one more time the anatropous ovule where funicle and micropyle lie at same end is which type of ovule? Will be anatropous ovule. Orthotropous mein kya rahega? Funicle, chalaza and micropyle, straight line. Yahan pe ye funicle hai, micropyle hai, ek hi end pe, chalaza is over here. This tissue was nothing but nucellus. And all the cells over here are parenchymatous. These parenchymatous cells, nucellus diploid. In the sense, nucellus is nothing but all the parenchymatous cells. Now, what we have to focus today, how this embryo sac is being formed. We had studied that embryo sac or female gametophyte. Female gametophyte is 7 cell, 8 nucleated structure. With 7 cell, 8 nucleated structure. How it is being formed? So, it is formed by the process of megasporogenesis. कैसे होगा ये? तो न्यूसेलस के जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, न्यूसेलस में के जो कौन से पैरेन्काइमेटस सेल्स विल अंडरगो डिफरेंशिएशन. और ये डिफरेंशिएशन पैरेन्काइमेटस सेल्स, इसको वी कैन आल्सो कॉल एज हाइपोडर्मल सेल. अभी यहां पे क्या होता है, बहुत सारे सेल्स में से एक सेल बोलता है, बहुत सारे सेल्स हैं, उसमें से एक सेल बोलता है मैं हूं राजा, या मैं काम करूंगा, आप बाकी चुप बैठेंगे. तो बाकी सारे चुप बैठ जाते हैं, एक ही काम करना शुरू कर देता है. और वो जो एक ही हाइपोडर्मल सेल है, वो सेल नाउ विल एक्ट एज आर्चिस्पोरियम. दिस आर्चिस्पोरियम विल डेवलप अहेड. आर्चिस्पोरियम डेवलप होने के बाद में दिस आर्चिस्पोरियम विल एक्ट एज नाउ मेगास्पोर, मदर सेल. मतलब एक ही सेल में कितने सारे चेंजेस है, न्यूसेलस के सारे सेल्स पैरेन्काइमेटस है, उसमें से एक सेल बोलता है हाँ सब कुछ मैं ही देख लूंगा. तो व्हाट विल हैपन, वो बनता है कौन सा आर्चिस्पोरियम. आर्चिस्पोरियम और डेवलप होगा मेगास्पोर मदर सेल, जो कैसा है डिप्लोइड. ऑब्वियसली ये मेगास्पोर मदर सेल में इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ मियोसिस विल टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ फोर हैप्लोइड सेल्स. मतलब ये सेल में अभी क्या हुआ है मियोसिस क्या तैयार हुआ है यहां पे, तो चार हैप्लोइड सेल्स, लिनियर टेट्राड. दिस फोर हैप्लोइड सेल को दिस सेल्स विल
और ये टेट्राड कैसा है, लीनियर, एक एक ही लाइन में है। पोलन ग्रेन में कैसा फॉर्म हुआ था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में इट वॉज अ कैसा टेट्राड था वो, टेट्राड वॉज अ टेट्राहेड्रल टेट्राड, अभी लीनियर टेट्राड है। उसमें से एक दो तीन चार, चार सेल्स है, चारों के चारों कैसे हैं, हैप्लोइड है। तो हमारे पास में हैप्लोइड सेल्स तैयार हो गए। अभी मैं बोलूंगा यहां पे क्या है, ये माइक्रोपाइल एंड वाला सेल है, तो ये कौन सा एंड वाला है, चलाजल एंड वाला, वापस से। सो दिस विल बी माइक्रोपाइल एंड वाला, दिस विल बी चलाजल एंड वाला। डोंट फॉरगेट द एंड, अगर उल्टा कभी आपको एंड अप नीट में अगर किसी ने वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल दिया तो आप गड़बड़ करते हैं, ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये इसका माइक्रोपाइलर, ये चलाजल, इधर उल्टा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द थिंग, इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड रगड़ना है, अनिवार्य है। तो क्या हुआ यहां पे, चार हैप्लॉइड सेल्स आपके पास में बन गए हैं। नाउ यहां पे व्हाट विल हैपन, जो माइक्रोपाइल वाले एक दो तीन सेल्स है, द सेल्स टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल विल डीजनरेट, वो खराब हो जाते हैं। सो सेल्स टुवर्ड द माइक्रोपाइल, नाउ ये एक सेल बच गया, ये कौन सा, चलाजल एंड वाला, और माइक्रोपाइलर वाले क्या हो गया, अभी डीजनरेट हुए। मतलब यहां पे वापस से देखेंगे तो ये तीन डीजनरेट हो गए, ये एक ही बच गया, नाउ ये माइक्रोपाइल वाला बच गया, ये तीन डीजनरेट हुए। नाउ दिस वन ई, जो चलाजल एंड पे बचा है उसको आई से इट इज अ फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर, ये कैसा है, हैप्लॉइड। अभी दिस फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, बाकी के न्यूसेलस के टिश्यू से बहुत सारा खाना लेगा, क्योंकि अभी अकेला बचा है, पूरा लार पैर से सब उसको ही खाना खिलाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इट एनलार्जेस इन साइज, न्यूक्लियस डेवलप होता है एंड अंडरगो कंसेक्यूटिव थ्री माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन वन, माइटोसिस डिवीजन टू एंड माइटोटिक डिवीजन थ्री। यहाँ पे न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं, ये आउटर वॉल ऐसा के ऐसा ही रहेगा। तो हियर व्हाट यू विल गेट, टू सेल स्टेज, दो सेल्स, दो न्यूक्लिया मिलेंगे, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, व्हाट यू विल गेट, फोर न्यूक्लिया वाला स्टेज, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट अ स्टेज वेर देर आर एट न्यूक्लिया। नाउ अपना पहला काम हो गया, कौन सा, कौन सा, एट न्यूक्लिएटेड। डेवलपमेंट कैसा है, ये एंडोस्पोरिक एंड मोनोस्पोरिक है, एंडोस्पोरिक मतलब विद इन द सेल, मोनो मतलब एक ही सेल से तैयार हुआ है। तो माइंड इट, याद रखो बच्चों, क्या, डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक, मोनोस्पोरिक एंडोस्पोरिक, क्यों, मोनोस्पोरिक सिंगल सेल से है, मोनो एंडो स्पोरिक, जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, मोनो एंडो स्पोरिक। तो ये हो गया, अभी ये चुप बैठते नहीं है, बहुत सारे है ना, चुप नहीं बैठेंगे, क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, दिस रीअरेंजमेंट रिजल्ट, अभी ये रीअरेंजमेंट हुआ है यहां पे, ये दोनों पोलर सेल्स दोनों एंड पे जो है वो धीरे धीरे माइग्रेट होते हैं, कहां पे, सेंटर में, सो दे विल माइग्रेट इन टू सेंटर और बनेगा अपना, क्या बनेगा, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसको हम पोलर सेल भी बोलते हैं, पोलर न्यूक्लिया है, ये डिप्लॉइड है। यहां पे बड़ा वाला सेल एग सेल, बाजू में दो भालदार चौकदार, क्या रहेंगे, ये सिनर्जिड, उसमें से याद करो एक परसिस्टेंट तो दूसरा डीजनरेट, और उसके अपोजिट वाला कौन है, एंटीपोडल सेल, बराबर है। ये स्ट्रक्चर यहां पे फिट करेंगे, करते चलो, कैसा फिट करेंगे, पूरा डेवलपमेंट हुआ, एग सेल, सिनर्जिड, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल कैसे, सपोज दीज आर एंटीपोडल्स, नाउ एंटीपोडल हैप्लॉइड है, एग सेल हैप्लॉइड है, सिनर्जिड्स वो भी हैप्लॉइड है, सिनर्जिड भी कैसे है, हैप्लॉइड है।
सेल कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो एट न्यूक्लिएटेड सेवन सेल स्ट्रक्चर आपका रेडी हुआ है। तो दिस इज हाउ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट टेक्स प्लेस। क्या होता है फीमेल गैमेटोफाइट? एम्ब्रियो सैक। व्हाट इज देयर इन एम्ब्रियो सैक? एग एपरेटस, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स। तो थियरी में ये डेवलपमेंट एक ब्रॉड आंसर क्वेश्चन में आएगा, बट एज फार एज आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन है। हाउ मेनी मियोटिक डिविजन टेक्स प्लेस? एक। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन टेक्स प्लेस? थ्री। हाउ मेनी स्पोर्स, फंक्शनल स्पोर्स आर फॉर्म? एक। हाउ मेनी एग्स आर फॉर्म? फोर। अभी आप कंपेयर करो कि मेगास्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल, दोनों में भी मियोसिस हुआ है, दोनों का मियोसिस रिजल्ट। अभी मेगास्पोर में क्या हो जाता है, एक ही फंक्शनल सेल बनेगा, मिलेगा, यहां पे चार फंक्शनल सेल बनते हैं। तो ये आगे जाके आपको ध्यान में रखना है कि जब भी कभी फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पूछेंगे तो आफ्टर मियोसिस दो चार सेल्स तैयार हुए हैं, एक ही फंक्शनल सेल बचेगा। हियर व्हाट विल हैव, चारों के चारों माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन चारों के चारों बचेंगे। कोई भी टर्म सीखते टाइम पे याद नहीं आया, जहां से बेसिक जो पिछला टॉपिक में पढ़ा है वो टॉपिक पढ़ना है, वो पढ़ने के बाद में वापस ये टॉपिक पे आना है। ये टू एंड फ्रो जितना ज्यादा, जितना अच्छी तरह से आप बैलेंस करेंगे, आपको समझने में उतनी बहुत अच्छी, मतलब दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छा होगा, आपको समझ में भी जल्दी आएगा। सो जस्ट टू रिकैप, हाउ फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म, फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म या रादर द प्रोसेस इज मोनोस्पोरिक एंड एंडोस्पोरिक, मोनो एंडो, मोनो एंडो स्पोरिक। तो एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट कैसा फॉर्म होगा, न्यूसेलस का एक सेल एक्ट एज जो पैरेन्काइमेटस नेचर है, जो हाइपोडर्मल है मतलब अंदर है, विल एक्ट एज आर्चिस्पोरियम, आर्चिस्पोरियम से क्या बनेगा मेगास्पोर मदर सेल। ये डिफरेंशिएशन मतलब उनमें कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन सिंपल याद रखो, इडली का बैटर में से इडली बनाओ, डोसा बनाओ, उत्तपा बनाओ, अप्पे बनाओ, क्या ये डिफरेंशिएशन है, एक चीज से अलग 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 स्ट्रक्चर बनाने का। पेड़ा एंड बर्फी में क्या फर्क है, डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है, उसको गोल बनाओ पेड़ा, उसको चपटा बनाओ हो गई बर्फी, टेंशन नहीं लेने का। सो हियर व्हाट वी हैव इज अ आर्चिस्पोरियम, मेगास्पोर मदर सेल बन गया, मियोसिस हुआ, एक दो तीन चार लीनियर टेट्राड फॉर्म हो गया, एक माइक्रोपाइलर सेल, दूसरा कौन सा है चला जल वाला, तो माइक्रोपाइलर के एक दो तीन अंडरगो डिजेनरेशन, डिजेनरेट हुए, बचा कौन सा चला जल वाला, चला जल वाला मस्त हट्टा कट्टा हो जाएगा, एक दो तीन, तीन बार माइटोटिक डिवीजन, कितने न्यूक्लियर फॉर्म हो गए आठ, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, सबसे पहले पोलर न्यूक्लियर एक साथ आ गए, सेकेंडरी ये बोलते जाने का मेरे साथ में, तो क्या बन गया एक एग एपरेटस, एग एपरेटस में क्या क्या रहता है एग एंड सिनर्जी, एंटीपोडल में क्या रहेगा वन टू थ्री, थ्री सेल्स, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ दिस एम्ब्रियो सैक इज बीइंग फॉर्म्ड। नाउ वी आर रेडी विथ व्हाट, एफ फॉर व्हाट, कि अभी यहां पे कैसे है, मेल गैमेट भी रेडी है, फीमेल गैमेट भी रेडी है। अब है क्या, तो मेल गैमेट की चाहत बढ़ रही है किसकी तरफ, फीमेल गैमेट की तरफ जाने के लिए। उस चाहत को क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिनेशन। सो लेट अस फोकस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ पॉलिनेशन। व्हाट इज पॉलिनेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अभी पॉलिनेशन के टाइप्स फॉलो करेंगे। डेफिनेशन ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब ये शॉर्टकट बहुत बार मुझे बताना है तो ये याद रखो, क्या पीजी टू ए टू एस, पीजी स्टैंड फॉर पोलन ग्रेन, ए इज एंथर, देन एस इज स्टिग्मा। नहीं याद आ रहा है, याद फ्लार को याद करो, फ्लार में ये स्टिग्मा स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल में खड़ा है किसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, बाजू में से क्या आया है ये एंड्रोशियम में, इसमें से क्या होगा
पोलन ग्रेन, ये आके मस उड़ के यहाँ पे हेलीपैड पे बैठ जाएगा, पॉलिनेशन। यहाँ पे एंथर का ब्रेक होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डेहिसेंस ऑफ एंथर। दिस पॉलिनेशन दो टाइप का, फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा इज क्रॉस पॉलिनेशन। टाइप याद रखेंगे, पहला बन था सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा इज अ क्रॉस पॉलिनेशन। अभी सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन में कि ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ कौन सा, सेम फ्लावर। अभी यहां पे देखो सेल्फ पॉलिनेशन में, सपोज ये फ्लावर है, ये एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। समटाइम या रादर सेल्फ पॉलिनेशन को हम दो कैटेगरीज में डालते हैं, एक है ऑटोगैमी, हियर गैमी इज फ्यूजन या ट्रांसफर ऑफ पोलन, ऑटो मतलब सेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग या इनब्रीडिंग ऐसा भी बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। दूसरा नाम क्या है, इट इज सेल्फिंग और इनब्रीडिंग। अभी जब इनब्रीडिंग वर्ड यूज करूंगा उसका मतलब क्या रहेगा, इनब्रीडिंग ऑलवेज रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनिस, ऑटोगैमी। एंड दूसरा यहां पे जो टाइप है दैट इज जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी वी आर गोइंग टू, जिटेनोगैमी जो है वो हम और अच्छी तरह से और डिटेल में हम देखेंगे। ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, एक ही फ्लावर में ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ये शॉर्टकट डायग्राम आप याद रखते जाओ, जिटेनोगैमी में प्लांट वही है, फ्लावर अलग अलग है, एंथर है, ये स्टिग्मा है, तो यहां से यहां आएगा। अभी एक्चुअली ये फॉलो रूल कौन सा फॉलो करता है, क्रॉस पॉलिनेशन का, बट इसमें एक ही प्लांट का है इसलिए चेंजेस होते नहीं है, मतलब जेनेटिक चेंजेस होते नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेनिस, वाइल क्रॉस पॉलिनेशन जो है यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट या एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर में, मे बी ऑफ अ सेम प्लांट, मे बी ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ये क्रॉस पॉलिनेशन। एक तो ये ऐसा आ गया या ऐसा आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन। ऑलराइट, सो क्रॉस पॉलिनेशन में हमारे पास में दो टाइप, फर्स्ट वन इज जेनोगैमी, वर्ड देखो जेनोगैमी, दूसरा इज हाइब्रिडाइजेशन एंड दिस वन इज कॉमनली नोन एज आउटब्रीडिंग, मतलब वो स्पीसीज छोड़ के दूसरा स्पीसीज में ब्रीडिंग या कन्वर्जन हो रहा है। सो वी हैव अ जेनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन। हियर जेनोस मतलब स्ट्रेंजर, जेनोस इज अ स्ट्रेंजर, बराबर एक नहीं है। सो पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, सिंपल डेफिनेशन क्या है पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहां पे सेम फ्लावर मतलब मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, थोड़ा फनी वे में अपन हम लोग उसको क्या करेंगे, काका काको बोलेंगे, काका बोले तो मेल गैमेट, काको बोले तो फीमेल गैमेट, तो आपको याद रखने में बहुत ईजी हो जाएगा और एक ही बार में पूरा समझ में आएगा। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक ऐसे जो एक ही बार पढ़ना है, एक ही बार याद रखना है, और कुछ टॉपिक ऐसे जिसको हर 15 दिन में धोना है, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, जैसे किंगडम एनिमेलिया है, जैसे किंगडम प्लांटी के कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हफ्ते में एक बार तो धोना ही है, इसको कैसे एक बार धोना ही साल भर चुप बैठता है, ये ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। मॉर्फोलॉजी है 15 दिन में एक बार धोना है, तो ये अपना अपने को वो धोने बर्तन वाले भाई जैसे धोते रहना है बस। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट, मे बी ऑफ अ सेम स्पीशीज और मे बी ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज। तो
तो डिफरेंट स्पीशीज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा. ऑलराइट, सो दीज आर दी बेसिक टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. बट ये इन जनरल टाइप हो रही, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड और अ प्रोसेस पॉलिनेशन विल स्टडी इन थ्री टाइप्स. यही यही हम तीन ग्रुप्स में उनको हम डिवाइड करेंगे पॉलिनेशन. सबसे पहला इज ऑटोगैमी. ऑटो, आप ऑटो स्टार्ट वर्ड यूज करते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी इज फ्यूजन. फर्स्ट टाइप ऑटोगैमी. ऑटोगैमी का कॉमन एग्जांपल हम लेंगे. क्या होता है, एग्जांपल सामने है तो आपको प्लांट समझ में आता है. प्लांट सामने आता है पी. मटर पनीर खाते कि नहीं, पनीर छोड़ दो बचेगा क्या, मटर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों, ये हम आगे जाके जेनेटिक्स में भी पी प्लांट पढ़ने वाले हैं. तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी में स्पेक्युलैरिटी क्या है. सबसे पहले जो भी फ्लावर ऑटोगैमी फॉलो करेगा इट विल बी बायसेक्सुअल फ्लावर. व्हाट इज बायसेक्सुअल फ्लावर, फ्लावर जिसमें काका काकू एक ही घर में है. मतलब जिसमें गाइनोशियम एज वेल एज एंड्रोशियम बोथ आर प्रेजेंट विद इन द सेम फ्लावर. अभी काका काकू बोले तो समझ में आया कि नहीं आया, इसलिए. सो हियर हम लोग क्या बोलते हैं, फटाफट याद रखने का हर एक चीज को. अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर जरूरी है, बाइसेक्सुअल मतलब बोथ द प्रेजेंट. अभी यहाँ पे ऑटोगैमी का रिजल्ट क्या है, जो प्रोजेनीज बनेंगे, द प्रोजेनी फॉर्म आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल हियर रेफर्स टू, उनमें जेनेटिक चेंजेस होंगे नहीं. क्यों, ऑलवेज एक ही फ्लावर से एक ही जगह से आए हैं. तो देयर इज नो चांस फॉर, किसके लिए, किसके लिए हैविंग अ चेंजेस. सो फर्स्ट टाइप कौन सा है यहां पे, ऑटोगैमी. इन ऑटोगैमी फ्लावर इज ऑलवेज क्या, बाइसेक्सुअल. इन द सेंस ऑटोगैमी होने के लिए कुछ बातें याद रखना है, कुछ टर्म्स याद रखना है. तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस, कॉन्ट्रीवेंसेस. सो वर्ड कौन सा है, कॉन्ट्रीवेंसेस. हियर कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन एंड कॉन्ट्रीवेंसेस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. कॉन्ट्रीवेंसेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ऐसे कंडीशंस दैट लीड टू, मतलब ऐसा कंडीशन जनरेट करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन को करना अनिवार्य है. तो कॉन्ट्रीवेंसेस में सबसे पहले कॉन्ट्रीवेंसेस क्या है, फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. फ्लावर कैसा होगा यहां पे, बाइसेक्सुअल. तो बाइसेक्सुअल में सेम फ्लावर कंटेंस मेल गैमेट एज वेल एज अ फीमेल गैमेट. सो बाइसेक्सुअल फ्लावर में विल हैव अ मेल गैमेट एज वेल एज अ फीमेल गैमेट. एक ही फ्लावर में रहेगा, एक ही जगह पे रहेगा, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एज वेल एज फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन द यस सेम फ्लावर. दूसरा इज होमो, मतलब सिमिलर होमोगैमी. बोथ मैच्योर, बोथ मतलब वापस से मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट, काका एंड काकू मैच्योर एट सेम टाइम. माइंड इट, एक ही बार मैच्योर हो रहे तो इधर उधर भटकने का काम है क्या, जब काका को भूख लगेगी सेम टाइम काका को, दोनों एक साथ खाना खा रहे, मस्त गाना गा रहे. तो होमोगैमी. अभी होमोगैमी पे क्या हो जाता है, यहाँ पे एंथर एज वेल एज क्या हो रहा है यहाँ पे, कि दोनों भी एक ही टाइम पे मैच्योर हो जाएंगे, मेल गैमेट एज वेल एज फीमेल गैमेट. तीसरा इज सम टाइम कुछ फ्लावर्स में क्लिस्टोगैमी नाम का एक, क्लिस्टो, क्लिस्टोस मतलब क्लोज्ड, गैमी फ्यूजन. क्लिस्टोगैमी में फ्लावर इज क्लोज्ड कब तक, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब पॉलिनेशन कंप्लीट होने के बाद में ओपन होगा. अभी ओपन होने के बाद में पॉलिनेशन हुआ है तो आगे कुछ नहीं होता है, बराबर नहीं है. मीन्स काका काकू पूरा खाना वाना खाने के बाद में दरवाजा खोल देंगे. तो यहां पे कह रहे क्या, क्लिस्टोगैमी फ्लावर विल रिमेन क्लोज्ड कब तक, जब तक पॉलिनेशन नहीं होता है.
तो फ्लावर्स विल बी रादर सेल्फ पॉलिनेशन, उल्टा बोले, उल्टा बोले तो भी चलेगा, क्या बोलेंगे उल्टा, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बराबर है नहीं, मतलब मेहमान मेहमान आने से पहले आपको नहीं खाना खा लेने का, ऐसा कुछ कंडीशन रहेगा वहां पे। ये हो गया पहला टाइप, कौन सा, ऑटोगैमी। उसके लिए कॉन्ट्रीवेंसेस, कंडीशन क्या किया हम लोगों ने कि बाइसेक्सुअलिटी, होमोगैमी एंड क्लिस्टोगैमी, ये याद रखना है। इसके साथ साथ आप एक तो एक और क्या हो सकता है यहाँ पे कि एक आप वर्ड याद रखो यहाँ पे, चश्मोगैमी। चश्मोगैमी में क्या होता है, फ्लावर ओपन होगा, फ्लावर ओपन होने के बाद में क्या करेगा, दैट फ्लावर ओपन होगा एंड देन इट विल एक्सपोज इट्स सेक्स ऑर्गन्स, मतलब एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम को वो एक्सपोज करेगा। तो ये हो गया चश्मोगैमी। अभी ये चैप्टर में टर्म्स बहुत सारे हैं, तो एक साथ लिखने के बाद में उसको आप विजुलाइज जितना अच्छा करेंगे वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग देगा। सो फर्स्ट टाइप हुआ अपना कौन सा, ऑटोगैमी। इसके एग्जांपल्स आप उसको कोई भी आप रिफ्रेशर यूज करके उसको देख सकते हैं, बट दिस बेसिक एग्जांपल्स जो है वो बहुत आप उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा सेकंड वन इज ज्यूटेनोगैमी। अभी हमने देखा है ज्यूटेनोगैमी। नाउ व्हाट विल हैपन इन ज्यूटेनोगैमी, ज्यूटेनोगैमी इज ट्रांसफर ऑफ अ पोलन ग्रेन फ्रॉम, ज्यूटेनोगैमी में क्या करते हैं हम लोग, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ क्या, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, माइंड इट, डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, ये आप याद रखो। अभी इसमें क्या हुआ है, ज्यूटेनोगैमी में आपको एजेंसीज की जरूरत है, एजेंसीज फॉर कई के लिए, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर। यहां पे एजेंसीज आप सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, टम टम ऑटो रहता है ना, ऑटो की जरूरत है इसके लिए, है ना। तो एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन रिक्वायर्ड। अब एजेंसीज क्रॉस पॉलिनेशन में चाहिए, मतलब ये मेथड फॉलो करता है क्रॉस पॉलिनेशन का, बट क्या हुआ ये वही प्लांट पे हो रहा है जिसके हम लोग क्या बोलेंगे उसको, सेल्फ पॉलिनेशन। सो जेनेटिकली स्पीसी जो ऑफस्प्रिंग्स तैयार होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है। सो हियर आई कैन राइट ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म, कैसे वो, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर लाइक दिस। सो यहां पे क्या लिखा हम लोगों ने कि फंक्शनली क्या रहेगा, ये ज्यूटेनोगैमी फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, बट क्या रहेगा ये प्रोजेनीज प्रोड्यूस्ड आर या रादर इन द प्रोजेनीज जेनेटिक वेरिएशंस कैन नॉट बी ब्रॉट। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है बट ये क्या कर रहा है, ये सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। ये शॉर्टकट अभी याद रखो, पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आप भी इसको फटाफट लिखने के लिए यूज करने का है। अभी एक बार एक्वेंट हो गए ना तो धीरे 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 काम नहीं, एकदम फटाफट 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 शुरू कर देना है। ऑलराइट, नाउ दूसरा जो है या रादर तीसरा टाइप हम यहाँ पे देखेंगे, तीसरा टाइप विल बी ज़ेनोगैमी, ज़ेनोगैमी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ज़ेनोगैमी में क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट क्रॉस पॉलिनेशन है या आउट ब्रीडिंग है। अभी आउट ब्रीडिंग मतलब अलग वाला स्पीशीज है, आउट ब्रीडिंग मतलब क्या रहेगा, डिफरेंट स्पीशीज होने की वजह से अलवेज देर विल बी अ जेनेटिक वेरिएशंस। इसलिए आउट ब्रीडिंग अलवेज रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में नए नए प्लांट्स, नए नए टाइप के प्लांट्स, नए नए प्रॉपर्टीज के प्लांट्स, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स के प्लांट्स को डेवलप करने के लिए यहाँ पे ज़ेनोगैमी का हम बहुत यूज करते हैं। ज़ेनोगैमी में क्या हो जाता है, वापस से ये घिसा पिटा डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ क्या, समटाइम मे बी डिफरेंट स्पीशीज़।
or it may be same species also, different species or same species. तो क्या हुआ यहाँ पे, जेनोगैमिया. अब ये होने के लिए क्या चाहिए, यू नीड टर्म टर्म, इन द सेंस यू नीड पॉलिनेटिंग एजेंसीज. एंड एक बात पक्का है, क्रॉस पॉलिनेशन जब होता है तो वहां पे आपको बहुत सारे चेंजेस प्लांट्स में लेके आना पड़ता है. प्लांट को कुछ कुछ नए नए फंडाज यूज करना पड़ता है, जैसे नंबर ऑफ पोलन ग्रेन बढ़ाओ, कुछ नेक्टर प्रोड्यूस करो, कलर प्रोड्यूस करो, कि सो दैट अट्रैक्ट हो. बराबर इट नहीं है आपको, ये कैसा है, घर के घर में हो रहा है, चल रहा है. ये बाहर आपको जब काम करना पड़ता है तो एनर्जी खर्चा ज्यादा होता है, इट इज नॉट इकोनॉमिकल, रादर चीप मेथड नहीं है. सेल्फ पॉलिनेशन इज अ चीपर मेथड, वेल क्रॉस पॉलिनेशन कैसा है, नॉट इकोनॉमिकल, मतलब आपको ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी रहता है. जो एडवांटेज, अब बाद में आप अगर वो पूरा पढ़ने के बाद में इसको थोड़ा सा देखने के बाद में आप समझ लेंगे, तो जो एडवांटेजेस सेल्फ पॉलिनेशन के है वो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस है वो सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस है. दिस यू कैन रिमेम्बर. तो मोस्ट ऑफ द सीड प्लांट्स जो है, सीड बियरिंग प्लांट्स या रादर दे नीड पॉलिनेटिंग एजेंसीज, मतलब वो क्रॉस पॉलिनेटेड ही है यहाँ पे. ओके, सो थ्री टाइप्स वी हैड सीन, ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जेनोगैमी. नाउ लेट अस डिस्कस इन क्विक टाइम व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेटिंग एजेंसीज, या व्हाट आर डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंसीज, दैट वील ट्राई टू रिकॉल. पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो है ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स में हमारे पास में दो है, एक तो है अबायोटिक फैक्टर्स और दूसरे है बायोटिक फैक्टर्स. अबायोटिक में हमारे पास में दो बड़े एग्जांपल है, एक पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू विंड एंड दूसरा पॉलिनेशन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू वॉटर. हर एक को बायोलॉजिकल नेम है. पॉलिनेशन बाय विंड इज नोन एज एनिमोफिली,